अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ के ईवीएस का चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। कल हमने इसका थोड़ा पढ़ा था, आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय देयर ओन, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, जिनमें हमने फिर एग्जाम्पल दी मैन, काउ, डॉग, क्रो एट्सेट्रा। वो नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते हैं बाय देयर ओन। तो आज हमें इसे आगे पढ़ना है। नॉर्मली प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन, बट सम प्लांट्स डू शो सम टाइपिकल मूवमेंट्स। जो प्लांट्स होते हैं, कल हमने देखा कि जो यान था वो टेबल के पास खड़ा था, तो उसको टीचर ने बोला कि आप थोड़ा दो तीन स्टेप्स आगे चलो, तो वो चला लेकिन टेबल नहीं चल पाया। दैट मीन्स जो यान है वो लिविंग थिंग है, क्योंकि वो खुद वहाँ से कुछ स्टेप्स आगे जा पाया लेकिन टेबल नहीं जा पाया। तो टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। बट फिर उस टेबल के ऊपर जो प्लांट था, क्या वो चल पाया खुद? नहीं, वो नहीं चल पाया। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी तरह चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते हैं, पर वो कुछ मोमेंट्स दिखाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ मोमेंट्स दिखाते हैं। सम फ्लावर्स ओपन इन द सनलाइट एंड क्लोज एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो जब क्या करते हैं, वो अपने जो फ्लावर्स होते हैं उनके फ्लावर्स ओपन होते हैं इन द सनलाइट। ठीक है, सूरज की लाइट जब उनकी उन पर पड़ती है, सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है, तो इनके जो ये फ्लावर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जो ही सनसेट होता है, जो ये सूरज जो ही डूबता है, तो क्या होता है, ये अपने फ्लावर्स को फिर से क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। एग्जांपल, द सनफ्लावर कैन बी सीन ऑलवेज टर्निंग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। इसके अलावा अगर हम देखेंगे सनफ्लावर जो प्लांट है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में सूरज जाता है तो उसी डायरेक्शन में वो भी अपने आप को ले जाता है। कौन? सनफ्लावर। तो दैट मीन्स कि प्लांट्स शो मूवमेंट। इससे हमें पता चलता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं ये मूव करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। देयर इज, दिस इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ये एक किस्म का मूवमेंट है जो ये प्लांट्स, जो ये मतलब उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सूरज की लाइट से खिलते हैं, तो जब सूरज डूब जाता है तो अपनी वो फ्लावर्स को फिर क्लोज करते हैं। तो दैट्स द मूवमेंट। द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इन फ्लावर्स इज अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट। जो ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं इनमें जब उनको फूल जब इनसे निकलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो है मूवमेंट, वो भी एक किस्म की मूवमेंट ही है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज टच मी नॉट श्रिंक व्हेन वी टच देम। तो इसी तरह से एक और प्लांट है जिसे हम टच मी नॉट भी बोलते हैं, जब भी हम उस प्लांट को छूने की कोशिश करते हैं तो वो अपने लीव्स को क्या करता है, श्रिंक करता है, तो उसके लीव्स सिकुड़ जाते हैं उस वक्त अगर हम उसकी तरफ हाथ लेंगे। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट आर इन प्लांट्स। तो ये भी एक मोमेंट है प्लांट्स में, जो दिखाते हैं प्लांट्स मोमेंट इज अ टाइप ऑफ मोमेंट। वंस अगेन लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू यॉन द टेबल एंड द प्लांट से इज अ टीचर। अब टीचर यॉन की तरफ फिर से इन बच्चों को कहता है कि हम अपना ध्यान फिर से यॉन की तरफ लेंगे, जो जिसको मैंने क्या बोला था, टेबल के पास खड़े होने को बोला था, जो कि हमने कल पढ़ा। तो व्हाट थिंग्स डज यॉन नीड टू स्टे अलाइव। अब टीचर ने बोलता है कि बच्चों आप मुझे बोलिए कि यॉन को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। ही नीड्स एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। तो यान को किस किस चीज़ की ज़रूरत है? एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत है, यानी कि हवा, पानी और गुज़ा की ज़रूरत है यान को, ताकि वो ज़िंदा रह पाएगा। जैसे हमें भी हवा, पानी और गुज़ा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। अगर हमें पानी नहीं मिले या हवा न मिले या गुज़ा न मिले तो हम मर सकते हैं ना। तो इसी तरह ये टीचर इनको बोलता है कि यहाँ उनको ज़िंदा रहने के लिए एयर, वाटर एंड फूड की ज़रूरत है। व्हाट थिंग्स डज अ प्लांट नीड टू स्टे अलाइव। अब टीचर इन्हें बोलता है कि आपने तो यहाँ का बोला कि उसे एयर, वाटर एंड फूड चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो जो ये टेबल पे छोटा सा प्लांट है, इसको ज़िंदा रहने के लिए
कौन सी चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है। अ प्लांट ऑल्सो नीड्स एयर वाटर एंड फूड। तो अब टीचर खुद ही आंसर देता है कि जिस तरह यहाँ को एयर वाटर और फूड की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह सेम इसी तरह इस प्लांट को भी एयर वाटर एंड फूड की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। हाउएवर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना गुज़ारा खुद तैयार करते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल सॉल्ट्स टू मेक देयर फूड। इनको क्या चाहिए, इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल सॉल्ट्स चाहिए, जिनसे वो अपना गुज़ारा खुद ही बना लेते हैं। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर। तो प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाते हैं? क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि जो ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और सांस छोड़ने पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है और प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हैं, उसी का यूज़ करते हैं। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर टेकन फ्रॉम द सॉयल फॉर द रूट्स। तो ये प्लांट जो इसको गुज़ा बनाने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बल्कि वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स कहाँ से आते हैं? वो रूट्स जो होते हैं प्लांट के ज़मीन से उसक करते हैं, वहाँ से लाते हैं और लीव्स में ले आते हैं। सम ऑफ द वाटर इज़ टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द पोर्स इन द लीव्स। तो थोड़ा सा पानी जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो वहाँ से भी ये थोड़ा सा पानी ले आता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, मतलब मगर कैसे तैयार करते हैं वो एक प्रोसेस है जो आपको आगे पढ़ना है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किए करते हैं ये, तो ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं। लेकिन इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इन्हें क्या चाहिए, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन्हें वाटर चाहिए, इन्हें सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट ऑलरेडी पड़ती है लीव्स पे, पहले हमें पता होना चाहिए गुज़ा कहाँ पे बनता है इस प्लांट में। तो गुज़ा बनता है लीव्स में, जो लीव्स होते हैं प्लांट के इनको हम फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं, इन्हीं में ये गुज़ा तैयार होता है इस प्लांट का। तो इस लीव्स पे ऑलरेडी सनलाइट पड़ती है ना, तो सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हासिल करता है और वाटर एंड मिनरल्स रूट ज़मीन से हासिल करते हैं और फिर ऊपर लीव्स में पहुंचाते हैं, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट्स होते हैं मिनरल सॉल्ट्स ये लीव्स में पहुँच जाते हैं और इन पर सनलाइट पड़ती है, तब रिएक्शन होती है वहाँ पर और प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है और गुज़ा बना लेते हैं ये लीव्स प्लांट्स के लिए। तो बच्चों कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय।